दोस्तों, दिव्येंदु शर्मा की हाल ही में आई सीरीज लाइफ हिल गई। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार के ऊपर स्ट्रीम हो चुकी है। तो दोस्तों, कैसी है ये सीरीज, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, स्टोरी की बात करें तो यार कहानी है यहाँ पर दिव्येंदु शर्मा और अपनी बहन कपिला की, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। दोनों आपस में भाई बहन हैं, थोड़ा झगड़ा थोड़ा प्यार और ऐसे कुछ देखने को मिलता है। और ये दोनों खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ अपनी पुश्तैनी होटल की किस्मत बदलने के लिए। अब दोनों ही होटल के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, दोनों ही अपना दावा ठोक चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो दादा होते हैं, यानी प्लेड बाय कबीर बेदी, वो उन दोनों को एक टास्क देते हैं, जो इस टास्क को जीतेगा प्रॉपर्टी उसके, मतलब कि होटल सीधे उसके नाम पर। यह होटल बिल्कुल लचर, एकदम नीरस और गाँव के बिगड़ते यहाँ पर ढांचे से ग्रस्त है। भाई बहन भी इसको लेके ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन प्रॉपर्टी की भूख की वजह से वो कबीर बेदी का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो यार, इस सीरीज की स्टार्टिंग से ही आपको किरदारों और उनके काम के तरीकों से जुड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डायरेक्टर प्रेम मिस्त्री ने यहाँ पर एक नॉर्मल से सब्जेक्ट के ऊपर, छोटी सी फिल्म होनी चाहिए थी, उसके ऊपर उन्होंने 6 एपिसोड बना डाले। हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग आधे घंटे से ज़्यादा ही है और एक भी ऐसा एपिसोड नहीं है जो कि कसा हुआ है, जिसकी यहाँ पर एडिटिंग अच्छी तरीके से की गई हो। एंटरटेनमेंट की बात तो दूर दूर तक गाइज, इस सीरीज को यार आप पूरा देख भी नहीं पाओगे। मैंने खुद यार ये सीरीज आगे बढ़ा बढ़ा के देखी है, स्पीड बढ़ा बढ़ा के इस सीरीज को मैंने देखा है। मिर्जापुर से यार गुड्डू भैया के रोल में यहाँ पर जिस तरह से मुन्ना भैया उनका सामना करते हैं, और भाई साहब जिस तरह की लीगेसी रही है मिर्जापुर के अंदर यहाँ पर मुन्ना भैया की, उस तरह से यार उन्होंने पॉपुलैरिटी जितनी पाई है, इस सीरीज ने उसको डुबाने का काम किया है। लेकिन यहाँ पर इस बार मुन्ना भैया ने थोड़ा स्मार्ट टाइप का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि थोड़ा चालाक होता है। लेकिन यार उनके रोल में थोड़ी कंसिस्टेंसी की कमी नजर आती है, जिस वजह से उनके कैरेक्टर में ज्यादा उठाव हमें देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से दिव्येंदु शर्मा यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने से बिल्कुल बुरी तरीके से चूक गए हैं। विनय पाठक ने यहाँ पर यार एक असफल पिता की भूमिका निभाई है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने रोल को पोर्ट्रे किया है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। अपन ने यहाँ पर छोटे शहर की लड़की का कैरेक्टर ठीक ठाक तरीके से प्ले किया है। शो की सबसे खूबसूरती गाइज अगर देखा जाए तो इसके लोकेशन है, जहाँ पर इस सीरीज को फिल्माया गया है। ताज़ा हवादार माहौल और पहाड़ों के जो सीक्वेंसेज है, सीरीज में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। सीरीज की अगर यार मतलब हाईलाइट की बात करें तो गाइस, सीरीज के अंदर एक दो सीन्स और एक दो डायलॉग को छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ऑडियंस को हंसा सके, एंटरटेन कर सके। सो यार दोस्तों, मैं दूंगा इस सीरीज को यार 5 में से 2 स्टार। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखी या नहीं देखी ये सीरीज, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।